गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज की जो गुड मॉर्निंग है, काफ़ी खूबसूरत जगह से, काफ़ी खूबसूरत लोकेशन से स्टार्ट हो रही है। और अभी मॉर्निंग के 6 बजा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक काफ़ी खूबसूरत नदी बह रही है। और इसके पास हम लोग क्यों आए हुए हैं, क्योंकि हम आज जो हैं झारखंड के उभरते हुए सितारे, काफ़ी फेमस यूट्यूबर, उनका घर आए हुए हैं, उनसे मुलाकात करने आए हैं। और ये देख सकते हैं हमारे साथ में विजय रिया ब्लॉग से विजय भाई हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और अभी हम लोग आए हुए हैं, जैसे हमारी ब्लॉग्स में देखे होंगे नदी है, तो ही नदी के हम लोग आए हैं अभी सुबह सुबह इधर टहलने के लिए। और ये हम मतलब कि जो सर है वो रात में ही आए थे, 2 बजे रात में हमारे घर आए। एक्चुअली वो ब्लॉग्स में तो आप लोग देखे होंगे कि क्या प्रॉब्लम हुई थी, इसके तो एक ब्लॉग्स बन गई है। तो थोड़ी मेरी चैनल में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो एक्चुअली मेरा दिमाग मतलब पूरा ही हो गया था कि करें तो क्या करें। फिर लास्ट में हमें फोन करें इनको, कि इंसान का जब कुछ होता है ना तो दिमाग काम नहीं करने लगता है कि करे तो करे क्या। ऐसे मेरे साथ हुई, तो मेरा दिमाग एकदम तक काम करने लगा। फिर सर को हम फोन किए, तो मेरे को हौसला दिए, समझाए, बुझाए, और फिर रात में ही आ गए घर मेरे। मनोज डे सर के यहाँ चलेंगे, तो हमको गाड़ी का व्यवस्था चाहिए। हाँ। और यहाँ लोकल में अभी गांव में हो नहीं पाएगा। हाँ। तो आप कितना दूर है, संभव हो सकता है तो आप आ जाइए। 30-35 किलोमीटर दूर इनका घर है मेरे घर से। और सबसे पहले तो हम सुनील भाई को फोन किए थे रात में ही, तो उनका फोन नहीं लगा। फिर मनोज सर को फोन किए, तो वो भी रात में सोए होंगे, उतना 12:30 बजे रात में फोन जगता है। फिर आपको फोन किया, तो आपका भी 2-3 बार लगाया, तभी आपका फोन लगा, बात हुई। तो बात हुई तो आए, और सारा जो मामला है वो सॉर्ट आउट हो गया है, सारा जो दिक्कत है वो क्लियर हो गया है। 2 बजे रात आने के बाद में ये बोले कि अब रात में फिर से वापस जाना ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो रिस्क लेके आए हैं, तो फिर से रिस्क क्यों लेना, नहीं लेना, तो मॉर्निंग होने दीजिए। तो अभी हम लोग इन्हीं के सपनों के घर में हम लोग रुके हुए हैं, और मॉर्निंग में चाय वगैरह पी भी लिए हैं, और रात में चाय भी पी लेते, 4:30 बजे। तो अभी बोले कि चलिए तब तक नदी घूम आते हैं, तो नदी भी देखने आ गए हैं। यहाँ से अगर आपको दिखाएं तो ये है नदी। हाँ। और आसपास का बहुत पानी है नदी में। हाँ, चूंकि झारखंड में भी 2-3 दिन से काफी बारिश भी तो हो रहा है ना, तो बारिश होने की वजह से नदी में थोड़ा सा पानी का जलस्तर बढ़ गया है। और आसपास का नजारा कुछ इस तरह से है, काफी जंगल है, अगर से भरा हुआ। हाँ, हमारे झारखंड का नाम ही कुछ ऐसा है ना कि जिसका अर्थ ही होता है जंगल, झाड़, पर्वत, पहाड़, लेकिन खूबसूरती हर जगह आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हर एक स्टेट में अलग अलग मतलब कि नेचर है, जैसे कि हम लोग जाते हैं यूपी तरफ तो वहाँ उधर समतल जगह है, समतल और जगह हम लोग जाते हैं तो पहाड़ पर्वत तो दिखता ही नहीं है। जैसे कि फिर उत्तराखंड साइड में पहाड़े हैं, और हमारे इधर झारखंड में पहाड़ है, यहाँ तो बहुत ज्यादा पहाड़ पर्वत है, यहाँ तो रोड का तो कोई ई नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ पर ये जो नेचुरल दातुन होता है, दतुवन पेड़ से तोड़ के, और थोड़ा सा बरस उरस कर लेंगे। हाँ। और इनका घर फिर जाएंगे, सपनों का घर, और वहाँ पर ये इनकी जो मैडम है, चांदनी है। हाँ, चाय बनाएगी, हम लोग घर में ही है। हाँ, तो चाय भी पियेंगे, फिर हम लोग निकल जाएंगे, और फिर इनसे तो बात होती रहेगी। अच्छा, देखते है ना अभी क्या करते है, पहले बरस उरस कर लेते हैं, ठीक है न। दातुन हमारी व्यवस्था हो गई है, और ये करंज वाला है ना, कोरेंज की दतुवन है, करंज बोलते हैं इसको। जैसे कि ये बहुत अच्छा लगता है धोने, मुंह पूरा साफ रहता है। नीम और कोरेंज का सबसे अच्छा रहता है, ज्यादा तो नीम का रहता है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। और सखपा के भी होते, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं लगता, अच्छा लेकिन नहीं ये पूरा मुंह को फ्रेश कर देता है, फ्रेश कर देता है, और थोड़ा सा इसका ये जो ब्रश जो है ना वो भी अच्छा बनता है। हाँ, और थोड़ा सा कड़वा तो होता है, पर कड़वा ना रहेगा तो फिर साफ भी नहीं लगेगा। हाँ, कोलगेट भी देखे थोड़ा सा कड़वा होता है, मतलब कि मतलब थोड़ा लहरता है। हाँ, उस टाइप का। हाँ, जैसे ये जो आता है ना, क्या बोलते हैं, बाबा रामदेव वाला। हाँ, वो थोड़ा सा लगता है तीखा, तीखा वही टाइप के है। क्या कर रही है, इस बच्ची को पहचानते हैं आप लोग? ये है चांदनी, अभी पूरा गूगल जो है चांदनी को पहचानता है, पूरा इंडिया पहचानता है ना चांदनी। क्या चीज है खाने में, दिखाओ तो। अरे ये खेलने वाला ही सामान लेके हमेशा चलती है, ये ऐसे ही करती है चांदनी। क्या बेटा, दिखा दिखा दिखा,
अरे इसमें खेलने का सामान है, बहुत सारे सामान है। अभी मॉर्निंग के अभी 6:30-7 बज रही होगी, चांदी लग गई खेलने में और तालाब तरफ आई है। अच्छा है, बच्चा खेलेगा नहीं तो क्या करेगा, थोड़ा डर लगता है तालाब के चलते। हाँ हाँ, ये चीज है, घर के सामने में ही तालाब है। नदी तरफ से घूम के आ गए हैं और थोड़ा सा हम लोग चाय नाश्ता के लिए जा रहे हैं, कहे कि घर में गांव में आप लोग को पता है हमारी चूल्हा मिट्टी का जलेगा तब कुछ बनेगा। हाँ। तो इधर सामने में ही कहीं पर है ना, तीन किलोमीटर दूर मेरे घर से। और आप लोग तो हमारी ब्लॉग्स में देखते ही होंगे कि कुछ भी चीज का यहाँ साधन नहीं है। देखिए इधर पहाड़, इधर पहाड़, चारों तरफ मतलब जंगल झाड़ है। थोड़ा सा भी चीज आपको लेने के लिए जाने होंगे 3-4 किलोमीटर दूर, तब जा करके कोई चीज मिलेगा। खाने का भी अगर लेना होगा राशन, सीधा 3-4 किलोमीटर, तो वही एक दिक्कत है। तभी हम लोग जा रहे हैं, अभी थोड़ा बगल में एक चौक है, वही थोड़ा जा रहे हैं अभी नाश्ता वास्ता करने। हम लोग 12:30 बजे तो आपको फोन किए होंगे, आने में जो टाइम लगा पकड़िए, जैसे बात हुई और मात्र 2-4 मिनट बात हुई होगी और तो आप घर से निकले और जो आने में थे। तो 3 बजे भोर चाय पिए हैं, तो थोड़ा चाय का भी तो तलब हो ही रहा है, साथ ही साथ मॉर्निंग में फ्रेश व्रेश भी हो गए हैं तो नाश्ता तो बनता ही है। चलिए पहले पहुंच जाते हैं। गर्मा गर्म कचौड़ी यहाँ पर निकाली जा रही है और कुछ नमकीन यहाँ प्री मेड है, इसको भी खा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ मिठाई है, लड्डू है, कुछ गुलाब जामुन है, गाजा है, बालूशाही है। ये सुबह सुबह मिठाई तो खाएंगे नहीं, गर्मा गर्म कचौड़ी निकलने देते हैं, यही खाएंगे। तब तक हम लोग यहाँ पर बैठते हैं। तो ये देखिए हमारा नाश्ता तो लग गया है, कचौड़ी और गर्मा गर्म छोले हैं, ये देखिए। तो हम लोग खा लेते हैं, आप लोग भी खाइए अगर मॉर्निंग में उठ गए हैं तो, हमारे साथ खाइए। ये देखिए थंबनेल क्लिक किया जा रहा है। ये कोई आम तोता नहीं है, हर तोते का नाम मिठू ही क्यों होता है, इसका भी नाम मिठू है, लेकिन ये चांदनी के घर का तोता है, विजय रिया ब्लॉग्स के घर का तोता है, जो अक्सर विजय जी के कंधों में होता है। आज इसको जो है हम लोग उठाने की कोशिश करते हैं, ये आता है कि नहीं आता है। ये देखिए काटने का कोशिश कर रहा है। तो ये कंधों में कैसे बैठाते हैं, हम थोड़ा बैठाने की कोशिश करते हैं, कैसे बैठाएं इसको, अपने बैठेंगे अपने, मेरे में अपने आ जाता है, जैसे ये हाथ हाथ में आने के बाद आ जाता है। हाँ। चलो 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 बैठ जाओ बैठ जाओ। ये देखिए बैठ गया है और पीछे तरफ जा रहा है। हालांकि हम लोग जितना भी कभी भी देखे हैं, कोई भी तोता छूने की कोशिश करते हैं ना, तो उन लोग काटने का बहुत जोर कोशिश करते हैं, लेकिन इसके साथ में ऐसा नहीं है। भाग गया नहीं, नहीं है, ये है रही। देखिए तो इन लोग दोस्त लोग को गुड मॉर्निंग बोल दो, अभी 7 बज रहा है। कभी कभी बात जैसे हम बोलते हैं ना, तो हाँ, अपनी लैंग्वेज से हाँ, बोल लेता, मेरे साथ दोहराता है, दोहराता है। हाँ। कुछ बोलता है मम्मी पापा, नहीं वो नहीं, जैसे अपने भाषा में। हाँ, थोड़ा सा इसको सिखाइए मम्मी पापा लगे, जैसे की 8 महीना 9 महीना साल भर तक में बोलते हैं। कितना दिन हुआ है? 4-5 महीना हो गया। 4-5 महीना वो अभी तक ये सीख नहीं पाया है, लेकिन सोशल मीडिया में और यूट्यूब में ये काफी फेमस है। और चांदनी को दिखाते हैं, चांदनी क्या कर रही है, लड्डू बना रही है। चांदनी लड्डू बना रही है और ये है एक्चुअल में बचपन, शहर के बच्चों के पास में ये बचपन कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है, और ये असल बचपन में जी रही है। जब ये बड़ी होगी तो इस चीज को याद करेगी तो लगेगा कि हाँ कोई दिन था मेरा बचपन। ऐसा ये खेलते रहती है, जैसे सुबह होता है ना तो खेलते रहती है, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि तालाब है, तालाब में थोड़ा डर लगता है। और जैसे कि बहुत सारे कमेंट आते हैं हमारी वीडियो में चांदनी का पढ़ाई को लेकर के, लेकिन आप लोग तो यहाँ आए रहे, तो आप लोग कैसा मतलब नजर आए स्कूल को, मतलब कहीं यहाँ नहीं नहीं वो स्कूल है, वो भी 3 किलोमीटर दूर है, दूर है, इतना छोटा बच्चा को अभी उतना दूर भेजना सही नहीं है। फिर हम जाते हैं स्कूल मतलब पहुँचाने। हाँ। फिर लेने भी जाते हैं। हाँ। अगर इन फ्यूचर अगर हम ना रहे तो जो वो जो मैम जो वो जो खाना बनाते हैं ना वो फिर छोड़ने आते हैं। हाँ। ऐसे होता है। तो आसपास आंगनबाड़ी नहीं है? नहीं, यहाँ नहीं है, 3 किलोमीटर दूर। आंगनबाड़ी भी 3 किलोमीटर? हाँ, आंगनबाड़ी ही। स्कूल तो छोड़ दीजिए, आंगनबाड़ी। अरे ये तो खैर बहुत ज्यादा दिक्कत है। यहाँ तो हमको लगता है 10 गो घर होगा ये मोहल्ला में। तो क्या है चांदनी, ये बताओ थोड़ा क्या बना रहे बाबू, बताओ, बोलो बोलो। चांदनी केवल पापा और मम्मी के पास में है। शर्मा रही है नया चेहरा देख करके, बात करो नहीं। और मिठू मेरे शर्ट में बैठ के पता नहीं पीछे से क्या क्या खोज रहा है, हमको तो कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैं पीछे देख नहीं पा रहा हूँ। और
चलिए रिया जी से थोड़ा सा आपको मिलवा देते हैं। मॉर्निंग में, रात में हालांकि आए थे तो अंधेरे में आप लोग ढंग से नहीं मिल पाए होंगे। ये देखिए हमारे गांव घर का जो किचन होता है वो किस तरह का होता है, और ये सपनों के घर का जो है वो चूल्हा है जहाँ पर आज भी लोग ट्रेडिशनल तरीके से खाना बनाते हैं। और इसमें जो हांडी है इसमें देख सकते हैं कि मिट्टी का लेप लगाया गया है। काला नहीं होता है, काला होता है लेकिन धोने समय ये इजली निकल जाता है, जल्दी धुला जाता है। हाँ, तो ये डेस्क के काले नहीं होंगे। मेन जो इसका मेटल भाग है वो काला नहीं होगा, वो जल्दी साफ हो जाएगा, उतना मेहनत नहीं करना होगा। हाँ, इसलिए। और आसपास देखिए कुछ ग्लास निकले हुए हैं, कटोरियां हैं। रात में हम लोग को चाय बना के ये रिया जी पिलाई थी, काफी अच्छा चाय बना हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई चीज बुरा भी बना है तो लोग जब प्यार से देते हैं ना तो उसमें मिठास और ज्यादा आ जाता है। सही है, सही। तो चलिए इनको बनाने देते हैं और हम लोग बाहर आ जाते हैं। और आप लोग तो देख ही रहे हैं ये सपनों का घर है। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि ये नारियल के पौधे विजय जी लाए थे कहीं से खरीद। कल इतने बारिश हुई ना कि एक पूरा पौधा वो बाहर मतलब निकल गया, उधर से पानी पहुंचा और यहाँ मेरा घर तक मतलब पूरा भर गया था पानी, पूरा अंदर किचन में आ जाता पानी। हाँ, किचन में ये जो बना हुआ है बैठने के लिए पीढ़ा, इसको हम लोग बोलते हैं पीढ़ा, इसमें जो मिट्टी लेसा हुआ था सब वो भी उतर गया है पानी की पानी से। उसको सीमेंटेड कर देंगे जब बारिश उठेगी ना, उसके बाद सीमेंट कर देंगे नदी से बालू ला करके, क्योंकि अभी तो यहाँ मेरा यहाँ रास्ता ही नहीं है कि कुछ आ सके। पूरा अभी बरसात का दिन है, गाड़ी घोड़ा भी आता नहीं है। और देखिए सपनों के घर में जो मेन गेट है वो किस तरह का है, यहाँ बलून लगाया गया था। हाँ, बलून लगाया की वजह से सारा बलून जो है वो सूख गया है और इसमें पानी भर गया। पानी भर गया। किसी किसी में है, इसमें है पानी, इसमें पानी है लेकिन पानी पानी है, पानी कैसे घुस गया। तो यही है आम जिंदगी जो है एक नॉर्मल गाँव के इंसान की किस तरह से रहती है। और इस तरह का जीवन हर किसी को नसीब नहीं होता है, इस तरह के लाइफ में जीने के लिए शहर के लोग तरसते हैं। हम लोग बहुत ही खुश नसीब हैं, हालांकि हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतने पैसे नहीं है, उतना रीच नहीं है, लेकिन यही जीवन हमारे लिए स्वर्ग से बढ़िया है। हाँ। जिन लोग पैसे वाले हैं, जिन लोग शहर में रहते हैं, उन लोग को समझ में आता है ना कि गांव की लाइफ क्या होती है। शांति है, मतलब गांव में जो है एक शांति है, सुबह शाम का जो ताजगी भरी हवा, शांति माहौल, उतना सुख सुविधा नहीं है लेकिन शांति है गांव में। अच्छे अच्छे मतलब क्या कहते हैं उसको, ताजा ताजा सब्जियां मिलती है, मतलब खुद का उगाया हुआ। और हम लोग काफी देर से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, ज्यादा रात से करेंगे, रात से ही बात कर रहे हैं। विजय सी से बोलेंगे कि कुछ हमारे व्यूअर्स को बोलेंगे। नए स्टार्टअप सर जी कर रहे हैं, और जैसे कल के ब्लॉग्स में तो बताए थे पहले वाले वीडियो में कि ये प्रोफेशनल में टीचर हैं, शिक्षक हैं, इनको अच्छी खासी सब चीज की नॉलेज है, एजुकेशन हो। नया एकदम फ्रेश एक ब्लॉग चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें डेली ब्लॉग्स हमारे आएंगे और काफी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, आपको कभी हम निराश नहीं करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो क्या करें, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात है कि सर की जो पहले वाली जो चैनल है वो चैनल मतलब डीएक्टिव रहने की वजह से थोड़ा ज्यादा डाउन हो गया, इसलिए रेगुलर मतलब रहना बहुत ही जरूरी है। उम्मीद है कि इनके साथ में हमारी बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और देखिए ये मिठू मेरा कान ही खा जाएगा। नहीं, प्यार मतलब एक लगाव होती है ना।